नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं न्यूज जागरूक भारत। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। वेसु के कपड़ा व्यवसायी के साथ हनी ट्रैप गैंग ने हड़पे 50 लाख और मांगे 20 लाख। पुलिस के नाम पर रेप के जुर्म में फंसाने और जान से मारने की धमकी दी। आरोपी निकुल पीयूष गिरफ्तार। 10 लाख नकद, बाइक, फोन समेत राशि जब्त। वेशु के कपड़ा व्यापारी को हनी ट्रैप में फंसाकर गिरोह ने 50 लाख रुपए लूट लिए। ऊपर से मैं अठवा पुलिस थाने से अबसिंह परमार बोल रहा हूं कहकर दुष्कर्म के मामले में फंसाने की धमकी देते हुए गिरोह ने जब 20 लाख और मांगे तो व्यापारी ने पुलिस सूत्रधार शिवराज से शिकायत की तो हनी ट्रैप गिरोह का भांडा फूटा। पुलिस ने 6 के खिलाफ केस दर्ज किया जिसमें 20 से 21 साल की महिलाएं शामिल हैं। निकुल परशोत्तम सोलंकी उम्र 25 वर्ष निवासी गंगानगर सोसाइटी पुना गांव और पीयूष उमेश वोरा उम्र 23 वर्ष निवासी अभिनंदन सोसा उतराम को गिरफ्तार किया गया है। वह गिरोह का भंडाफोड़ तब हुआ जब दोस्त ने अठवा थाने में जांच कराई। शिवराज और निकुल ने कारोबारी को हनी ट्रैप में फंसाने का प्लान बनाया। निकुल शिवराज पहले भी हनी ट्रैप में फंस चुके हैं। सूत्रधार शिवराज बालका समेत 4 इधर उधर भाग रहे हैं। वीआईपी रोड निवासी 48 वर्षीय शिवराज ने नवंबर में व्हाट्सएप पर एक युवती की फोटो भेजकर व्यवसायी को नानपुरा संतोक अपार्टमेंट में बुलाया था। जब व्यवसायी फ्लैट पर गया तो 5 मिनट के भीतर 3 लोगों ने खुद को पुलिस बताकर सेक्स रैकेट चलाने की बात कहते हुए मामला दर्ज करने की धमकी दी। बदनामी से बचने के लिए व्यापारी ने गिरोह को 10 लाख दिए। हनी ट्रैप के 6 महीने बाद गिरोह ने फिर खेल खेला और हनी ट्रैप के 6 महीने बाद व्यापारी को कार में घर से ले जाया गया। बाद में मकवाना ने कहा कि लड़की और उसके पिता केस करने आए हैं तो व्यवसायी ने घर से कारोबार के लिए 40 लाख रुपए दे दिए। 2 दिन में मकवाना ने फिर फोन किया और कहा कि ये लोग FIR को लेकर अड़े थे और 20 लाख और मांगे। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज़ जागरूक भारत।